पूर्व मंत्री स्वर्गीय जनात महतो के क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते एक स्कूल के पास आकर रुक गए हैं। आसपास के लोगों से बात की तो पता चला उन्होंने ही स्कूल को बनवाया है और देख सकते हैं कितना सुंदर सा स्कूल है और स्कूल का नाम है राज्यकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय। अब आसपास के लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी कि फिर उससे उच्च अच्छा इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। इसमें तो देखिए से पहली से लेके सातवां तक आठवां तक स्कूल हमारा मंत्री जी प्राथमिक से लेके अष्टम बारक तक मैंने मंत्री जी करवाए हैं। शिक्षा भी मिलती थी प्लस टू की? हाँ मिल रही है अभी तक। तो उनके प्रयास से ही ये बना था? हाँ हाँ, ये बचपना से मंत्री जी इसमें पढ़े भी हैं, हम लोग भी इसी में पढ़े हैं और यहाँ से निकल के अपना अपना जगह पकड़े हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ राजेंद्र ठाकुर। इधर ही रहते हैं? बस हमारा बगले में घर है, जो गली में गुजरे वही में। पहले में और अभी में क्या कुछ अंतर देखते हैं? अभी में तो डेवलपमेंट है। क्या डेवलपमेंट हुआ? हर जगह स्कूल बना है, कॉलेज बना है, जहाँ तहाँ देखते हैं मंदिर बन रहा है, एक काली मंदिर भी। स्कूल में क्या कुछ अलग देखते हैं? काफी रंगाई पोताई होकर बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर है, सुंदर कार्य हुआ है। क्या अंतर क्या दिखते है स्कूल में? अंतर तो पहले से तो कुछ एकदम डेवलपमेंट है साहब बाबू, पहले से डेवलपमेंट है, ऐसा बात नहीं है। बाल बच्चा अभी कम से कम तो 150-200 पढ़ाई हो रहा है इसमें, एक दो नहीं है। तो और आसपास कोई वैसा स्कूल नहीं है? ऐसा मॉडल स्कूल है? हाँ ये मॉडल स्कूल है, ये गुंजड्डी में है, उन्हीं को देन है, मंत्री जी को ही देन है गुंजड्डी। अच्छा, मॉडल मनाने के लिए गुंजड्डी एगो है, एगो तारा नारी भी हुए, और कहीं अगल बगल में किए होंगे तो हम उतना घूमे नहीं है। इंग्लिश का ही पढ़ाई होता? इंग्लिश का पढ़ाई अब से कम बेसी शुरू हुआ है, पहले नहीं होता? नहीं पहले नहीं होता था, प्राथमिक जिस तम था ना चौथा से लेके पांचवा तक के बाद इंग्लिश पढ़ाई शुरू हो गया। मतलब वो पूरा बदलाव आया उनके आने का? पूरा बदलाव आया है एकदम, इसमें तो कोई शक का बातें नहीं। टीचर्स रहते हैं? टीचर रहते हैं, टीचर एको गार हाजिर नहीं रहते है, एक मैडम रहती है और पांच वो है मास्टर। आसपास के लोग क्या कहते हैं स्कूल के आ जाने से, अच्छा बन जाने से? अच्छा जब बन जाने के बाद यही कहते हैं कि अच्छा बन गया स्कूल, पहले का भविष्य सुधर गया, अब पढ़ाई ठीक हो रहा है, बाल बच्चा को जैसे हम लोग को छोटा छोटा बच्चा को दूर जाना पड़ता था, अभी उन परेशानी से दूर है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद अभी यही रहते हैं। हाँ तो आप यही रहते हैं? हाँ मैं यही रहता हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? परमेश्वर शर्मा। स्कूल को कब से देख रहे हैं आप? हाँ हम लोग एक एक क्लास सब एक के साथ हम लोग। जगन्नाथ मैं तो किस तरह से इसको विकास किए, स्कूल में क्या कुछ बदलाव लाए, बदलाव क्या कुछ लाए? अब वो कुछ नहीं पता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, ऊंचा सुनते हैं जानकर। अच्छा ये स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत कुछ विकास हुआ है मॉडल स्कूल के रूप में। जब हम बच्चा थे उस समय घोरना घोरल रहता था, लेकिन आज ये स्कूल मंत्री जी का देन है कि इतना आगे निकल गया, और इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। यही स्कूल में हम लोग पढ़े हैं और यही स्कूल में पढ़ के आज अपना अपना जगह पर सब है। तो आपका शादी हो गया है? हाँ हो गया है। अच्छे हैं आप? हाँ तीन बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहे, अब काम कर रहे हैं। बच्चे लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे लोग तो सब अब डिवीजन पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़े थे, यहाँ से निकल गए तीनों बच्चे हैं। एक पढ़ रहा है छोटा वाला, एक पढ़ रहा है इसी स्कूल में? हाँ इसी में पढ़ रहा है। अच्छा लड़का है वो पढ़ रहा है, लड़की दोनों बड़ी है वो सब बाहर में पढ़ रही है। क्या कुछ बोलते हैं जब बच्चे घर आते हैं तो क्या बताते हैं स्कूल? अच्छा, के बारे में पढ़ाई अच्छा होता है वही बोलते हैं। हम लोग तो विश्वास में नहीं हम भेजे हैं, पढ़ाई ठीक में तो बड़ा रौनक देख सकते हैं, बाहर से बहुत अच्छा कचौन नजर आ रहा है, अंदर उस तरह से है क्या? अंदर भी है, बस देखने से बाहर से ये ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला हाल है, अंदर तो पूरा ट्रेन जैसा बना दिया। खिचड़ी पकवान वाला नहीं है, अंदर देखेगा तब ना। ऐसा बात नहीं तो ये नहीं ना कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, हाथी की दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। आप इस चीज की इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो पता भी मंगवाते हैं, खोल के अंडरग्राउंड भी देख लीजिए, ये खिचड़ी पकवान वाला नहीं है, खिचड़ी पकवान बनबो भी करता है कहीं तो जगह उनको ये सुंदर है वो भी बनता है ना, तो ढंग से ही बनता है, ढंग से किया भी जाता है, ऐसा बात नहीं। जैसा देखने में स्कूल है उस तरह की शिक्षा भी दी जाती है? हाँ एकदम उसका शिक्षा भी हो रहा है इसमें, ऐसा बात नहीं कि खाली मैंने बाहर फीट फाट नीचे मोकामा घाट वो नहीं है, इसमें तो एकदम तंदुरुस्त जो है सो है, ये तो हम लोग खूब कहेंगे। अब इसमें यार क्या बताएं,
चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों को कहना है, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है स्कूल को लेकर, और जगन्नाथ दा ने क्या कुछ किया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसी स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और उसके बाद जब वो मंत्री बने उसके बाद से इस स्कूल को बेहतर बनाने में अपना प्रयास किया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल का कायापलट हो चुका है, मॉडल स्कूल के रूप में अब ये स्थानांतरित हो चुका है। तो कह सकते हैं उनका किया हुआ ये जीता जागता नमूना है कि स्कूल का स्वरूप जो है अब बदल चुका है और काफी शानदार दिख रहा है। और कहे तो आसपास के लोगों की माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से स्कूल की दिशा और दशा बदल गई है उस तरह से शिक्षा में भी बदलाव हुआ है और बच्चों को बेहतर और अच्छा शिक्षा मिल रही है। न्यूज बायोस्कोप के लिए कानोसन विकास के साथ नीरज कुमार डुमरी। एस्पेल रस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एस्पेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।